नमस्कार दोस्तों, मैं शीना और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। एक नाम जो दुर्गा माँ के अवतार से जाना जाता है, नाम है राधे माँ। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, क्या आप जानते हैं सुखविंदर कौर और राधे माँ के बारे में, उनके जीवन के कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर सुनेंगे। जी हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। राधे माँ एक आध्यात्मिक गुरु है जो खुद को माँ दुर्गा का अवतार बताती है। वह अपने भक्तों से लाल जोड़े में मिलती है। सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ। राधे माँ अपने भक्तों के सामने ज़रा बोलती नहीं है और एक त्रिशूल उनके हाथ में हमेशा रहता है। बात करें अगर इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1965 में पंजाब के गुरदासपुर में दोरंगला गाँव में हुआ था। वह अभी इस समय 55 साल की हैं। राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है, पर धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना नाम बदलकर राधे माँ रख लिया। आपको बता दें कि सुखविंदर कौर और राधे माँ 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं और महज 17 साल की उम्र में उनकी शादी मुकेरिया में रहने वाले मनमोहन सिंह के साथ की गई। वो इंसान जो मिठाई की शॉप पे काम करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राधे माँ के पति कतर में चले गए थे नौकरी करने के लिए, पर इसके बावजूद भी सुखविंदर कौर यानी कि राधे माँ अपने परिवार की स्थिति को सही करने के लिए लोगों के कपड़े सिलकर अपना रोजी रोटी चलाती थी। बात अगर उनके परिवार की करें तो राधे माँ के 2 बेटे हैं, पर पति के साथ उनका संपर्क टूट चुका है। अब ये बात करेंगे कि राधे माँ ने अपना जीवन कैसे बदला। दरअसल 21 साल की उम्र में सुखविंदर कौर महंत श्री रामदीन दास के शरण में जा पहुँचे। उन्होंने सुखविंदर कौर को 6 महीने की दीक्षा दी। आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करने के बाद रामदीन दास ने सुखविंदर कौर का नाम बदलकर राधे माँ रख दिया। साल 2001 में राधे माँ के चमत्कारी देवी के तौर पर चर्चा होने लग गई। पंजाब हरियाणा में राधे माँ के भक्तों की आस्था थी कि उनके पाँव पड़ते ही घरों से दुख दूर हो जाते हैं। दिल्ली में राधे माँ ने 2010 में पहली दस्तक दी थी, लेकिन वह दिल्ली में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और अपने भक्तों के कहने पर वो दिल्ली से मुंबई चली गई। आपको बता दें कि राधे माँ मुंबई में रहती हैं और उनके घर पे हर दूसरे हफ्ते में चौकी सत्संग व जागरण होता है और हज़ारों की संख्या में भक्त उनकी इस चौकी जागरण में शामिल होते हैं। राधे माँ के भक्तों में कई बॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटी भी हैं, जैसे कि रवि किशन, मनोज वाजपेयी और गजेंद्र चौहान जैसे। राधे माँ आमतौर पर माता की चौकी और जागरण में जाती भी हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए उन्हें यहाँ एक रेट कार्ड भी लगाया हुआ है। राधे माँ की चौकी का खर्चा 5 लाख से 32 लाख रुपये तक का होता है। चौकी के आयोजन की सारी डीलिंग राधे माँ के एजेंट टल्ली बाबा करते हैं। साल 2015 में सोशल मीडिया पर राधे माँ की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। आमतौर पर माता के अवतार में नज़र आने वाली राधे माँ इसमें लाल रंग की मिनी स्कर्ट में लाल रंग के बूट्स में नज़र आई थी। आपको बता दें कि उनकी इन तस्वीरों को बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट राहुल महाजन द्वारा भी शेयर किया गया था और इसके बाद काफ़ी विवाद खड़ा हो गया था और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। आपको बता दें कि राधे माँ के खिलाफ कई और भी केस दर्ज हो चुके हैं। पंजाब के फगवाड़ा में रहने वाले सुरेंद्र मित्तल ने हाई कोर्ट में राधे माँ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ बोलने पर उन्हें धमकियों भरे कॉल आ रहे हैं। आपको बता दें कि राधे माँ बिग बॉस 14 में भी नजर आ चुकी हैं और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा राधे माँ की भक्त रह चुकी हैं, लेकिन 2015 में उन्होंने भी राधे माँ के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज करवाया था। मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन मनमोहन गुप्ता भी राधे माँ के भक्त थे। उन्होंने भी राधे माँ पर बंगला हड़पने का केस दर्ज करवाया था। सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ की स्टोरी आपको ये पसंद आई है, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।